मिनिस्टर फवाद चौधरी का यूएई का मुख्तसर दौरा। इस मौके पर पाकिस्तान कौंसलर दुबई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम मीडिया ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए फेडरल मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी ने अफगानिस्तान के उमूर पर रोशनी डाली और दोनों मुल्कों के अवामी ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत करने की हिकमत अमली का इजहार किया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान भारत में बहुत मकबूल है, दिल्ली में आज जलसा करें तो मोदी से बड़ा जलसा होगा। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तला'आत का कहना था कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमसाए मुल्क में मुस्लिम कुश नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, मोदी और उनकी जमात के रवैये की वजह से पाक भारत हालात में बेहतरी नहीं आ रही। इमरान खान भारत में बहुत मकबूल है, दिल्ली में आज जलसा करें तो मोदी से बड़ा जलसा होगा। पाक भारत मैच के लिए बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देना हुकूमत की तरजीह है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला मुल्क भेजा। फवाद चौधरी का कहना था कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया की 5 बड़ी मईशतों को धचका लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की वफाकी हुकूमत ने कोरोना वबा का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया। कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तला'आत का कहना था कि तामीरात के शोबे में 3 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। इस शोबे में भी रिकॉर्ड सरमायाकारी आ रही है। टेक्सटाइल की सनत को भी फरोख्त हासिल हो रहा है। ज़राअत के शोबे में मुल्की मईशत में 1100 अरब का इजाफा किया गया। रवां साल गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। अफगानिस्तान से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान से बात कर रहे हैं कि दीगर ग्रुपों को भी साथ लेकर चलें। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से खत्ते के ममालिक को साथ लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अफगान सूरत हाल का असर बराह रास्त पाकिस्तान पर होता है। डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग के बायस रुपए की कदर में कमी आई। सबसे पहले आपने माशाल्लाह आज यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के मैच की भी बात की है, तो इससे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कल जो सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के उतरेंगे उनका मैसेज देना चाहता हूँ, आपके पास मौका है सुपर स्टार बनने का। कल जो जबरदस्त खेलेगा वो अच्छा टर्निंग पे भी बात कर दें जरा प्लीज़। जो ओवरसीज के लिए आपने ओवरसीज पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला था, अब इनहेरिटेंस के बाद अब अगला जो हमारा था कि आप पावर ऑफ अटर्नी के लिए अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप अपना घर पे बैठ के पावर ऑफ अटर्नी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।